नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम साथ के समाहार में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकल भवन में हर्ष उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत लोक शिक्षा परिषद और एकल युवा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एकल नर्सरी स्कूल के बच्चों ने अपने सांस्कृतिक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान नीरज राजादा जी ने पीपीटी के माध्यम से लोगों को राष्ट्र और समाज के प्रति जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। समाज सेवा के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे एकल अभियान ने एक बार फिर वनवासी समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। इसी क्रम में एकल अभियान ने सावन के चौथे सोमवार को लखीमपुर में नेपाल बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में थारू समाज के लोग शामिल हुए। इस कांवड़ यात्रा का आयोजन पिछले 5 वर्षों से निरंतर हो रहा है, जिसका उद्देश्य थारू समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना है, जो कभी अपनी संस्कृति से दूर हुए थे। इस कांवड़ यात्रा में लोग नेपाल में आने वाली 3 नदियों शिवगंगा नदी, टुकिया नदी और मोहना नदी के त्रिवेणी संगम तट से जल लेकर 14 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए अपने आराध्य देव भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। गुजरात संभाग के संत श्यामला जी में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से टेलीमेडिसिन प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एकल आरोग्य प्रकल्प के पदाधिकारी मौजूद रहे और गुजरात संभाग में एकल आरोग्य को व्यापक स्तर पर कैसे लाएं, इस पर चर्चा भी हुई। वहीं समापन सत्र में कपिल व्यास और अनिल पटेल को श्यामला जी संघ के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी खबर की ओर। मध्य भारत संभाग के शिवपुरी अंचल मुख्यालय के नक्षत्र गार्डन स्थित संभाग गृह में एकल सुरताल का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। एकल सुरताल टीम द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी जी और मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एकल अभियान केंद्रीय प्रचार प्रमुख संजय मालवीय जी रहे। कार्यक्रम के समापन में एकल सुरताल की पूरी टीम का रक्षा सूत्र बांधकर एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। बढ़ते हमारी आज की पांचवी खबर की ओर। एकल श्री हरि की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक मुंबई के महेश्वरी भवन में संपन्न हुई। बैठक में मंजू जी ने सभी चैप्टर्स के बारे में जानकारी दी और बताया कि अभी हमारे 17 चैप्टर्स चल रहे हैं और इस संख्या को 29 तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें तन मन धन से अपने दायित्व को निभाना है। वहीं महेश जी मित्तल ने एकल श्री हरि के 2030 तक का विजन समझाया, जिसमें 4 लाख गांव संस्कार केंद्र शुरू करने का लक्ष्य, 10,000 व्यास कथाकार एवं साधक तैयार करने के लक्ष्य के साथ 100 करोड़ का धन संग्रह का भी लक्ष्य रखा गया। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की छठी खबर की ओर। संभाग ब्रजमंडल के अति संवेदनशील क्षेत्र अंचल नूह के गुरुमुख मेमोरियल स्कूल में नूह अंचल के 8 संचों की स्नेह संपर्क परिवार बहनों का महिला वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें 75 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्नेह संपर्क परिवार बहनों को स्वयं सिद्धा के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से SSP की विस्तृत जानकारी दी गई। चलिए बढ़ते हमारी आज की सातवीं खबर की ओर। एकल अभियान गोग्राम योजना के केंद्र वृंदावन में गोधाम का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संतों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एकल गोग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अग्रवाल शामिल हुए। वहीं गोग्राम योजना से जुड़ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में स्कूल के बच्चों की संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति रही। साथ ही संतों ने साथ मिलकर संकल्प लिया कि एक भी गाय बिकेगी नहीं तो गाय कटेगी नहीं, गाय का घर किसान का घर है। तो चलिए बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की ओर। एकल अभियान महाराष्ट्र संभाग के किनवट अंचल में राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह जी का 2 दिवसीय प्रवास संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय नागडो में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और किनवट अंचल की समिति की बैठक हुई। बैठक में अंचल समिति एवं व्यापारी वर्ग संघ समिति महिला समिति की उपस्थिति रही। इस बैठक में देश में आने वाली परिस्थिति से अवगत कराया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एकल की कुछ और नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।